गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपकी प्यारी होस्ट रेणुका और आपका स्वागत करती हूं हमारे इस शो में। नमस्कार गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है मैप ऑफ मी मुंबई मॉर्निंग शो। ये यार प्रतीक्षा जी, हमारी वो फ्रेंड है ना पूजा, हाँ, उसका क्या हुआ? यार बहुत परेशान है यार। क्यों, क्या हुआ उसे? एक्चुअली क्या हुआ ना, उसने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए लेकिन वो एक भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रही है यार। मतलब वो इतने टैलेंटेड है, उसको नॉलेज भी है और अच्छे ग्रेड से भी पास हुई है वो, लेकिन फिर भी क्रैक नहीं कर पा रही, तो वो बहुत परेशान है। बट यू नो रेणुका, एक इंटरव्यू क्रैक करने के लिए सिर्फ नॉलेज या फिर ग्रेड की जरूरत नहीं होती, बल्कि ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो एक इंटरव्यू क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर हम कहेंगे कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जैक्टली यार, मुझे लगता है कि आज हमारे इस एपिसोड में हम इसी पे बात करें, है ना? क्योंकि पूजा जैसे से बहुत सारे लोग हैं जो ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। यस एब्सोल्युटली, तो चलिए इसी बारे में हम आज बात करते हैं, लेकिन उससे पहले क्यों ना हम अपने दर्शकों को मैप ऑफ मी के बारे में बताएं। यस चलिए। सो गाइस, मैप ऑफ मी एक ऐसा डिजिटल यूथ चैनल है जो कि हमें हेल्प करता है वो स्किल्स सीखने के लिए जिसकी हमें जरूरत होती है, एक इंटर्नशिप पाने के लिए, एक सस्टेनेबल एंटरप्राइज रन करने के लिए या फिर जॉब पाने के लिए। यहाँ आपको हम मिलवाएंगे कुछ ऐसे लोगों से जो सक्सेसफुली अपना एंटरप्राइज या फिर अपना जॉब रन कर रहे हैं, और उनसे सीखेंगे कुछ ऐसे स्किल्स जो उन्होंने सीखे थे अपना काम करते करते, जो कि अगर हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो हम भी हो सकते हैं सक्सेसफुल। और साथ ही साथ आप एक्सप्लोर करोगे हमारे साथ पूरे मुंबई शहर को, जानोगे क्या हो रहा है हमारी मुंबई शहर में और सुनोगे मुंबईकर्स की बातें, ताकि हम समझ सके कि हमारे मुंबई को हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, जहां पर मिलियंस ऑफ वुमेन्स बाहर निकलकर अपना काम सेफली कॉन्फिडेंटली कर सकती है। जी हाँ, और हमारा ये शो एंड तक देखिएगा क्योंकि अंत में होगा एक क्विज जिसमें हम आपसे पूछेंगे दो सवाल जिसका जवाब आप हमें देंगे www.mapofme.in पर, और जीतेंगे ढेर सारी एक्साइटिंग प्राइजेस। यस गाइस, और हमारे शो को लास्ट तक जरूर देखिएगा प्लीज प्लीज, क्योंकि इस शो के लास्ट में जो क्विज आती है उसके आंसर्स आपको जितवाएंगे बहुत सारे प्राइजेस, और उसके साथ ही आप जानेंगे और सीखेंगे ढेर सारी चीजें। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि व्हाट थिंग्स यू शुड नेवर डू इन योर जॉब इंटरव्यू। इसका मतलब जॉब इंटरव्यू के वक्त कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए कौन सी तैयारी करनी चाहिए। एंड हाउ टू क्लियर अ जॉब इंटरव्यू, इसका मतलब इंटरव्यू सही तरीके से कैसे क्लियर करें। वाओ गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आई एम श्योर कि आप लोग इसे रिलेट जरूर करेंगे, क्योंकि हम सब ने अपनी लाइफ में ये कहीं ना कहीं जरूर फेस किया होगा दोस्तों। सो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ और जानेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसाइट्स, लेकिन इससे पहले कि हम गेस्ट के पास जाए, क्यों ना थोड़ी देर के लिए मुंबई करों से भी बात की जाए। तो चलिए दोस्तों उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका जॉब इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, क्या था। सारे सवालों का सही जवाब देने के बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, अगर हाँ तो ऐसा क्यों हुआ, जानते हैं उनसे बात करते हैं। चलिए मैम, आपका नाम? स्मृति सावंत। सो मैम, आप फिलहाल क्या कर रही हो, जॉब कर रही हो या फिर क्या? मैं आर्किटेक्ट हूँ, एक यूएस बेस्ड कंपनी के लिए जॉब कर रही हूँ। क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए जब आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं? प्रिपरेशन एज इन, पहले तो बहुत कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कोई भी इंटरव्यू में, और आपने जो भी मतलब, जैसे मेरा कोर्स 5 ईयर्स का था तो 5 ईयर्स में जो भी सीखा है वो एक बार ब्रश अप करना चाहिए, जो भी आपने पास्ट एक जॉब्स में सीखा है वो एक बार रिवाइज करना चाहिए, और मेन आई थिंक कॉन्फिडेंस है। और अभी करंट सिनेरियो में वर्ल्ड में क्या चल रहा है, जैसे मेरे फील्ड में, मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो कौन से नए मटेरियल्स है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, वो सब पता होना चाहिए। आई थिंक वो हर फील्ड का वही है कि लेटेस्ट मार्केट में क्या अवेलेबल है वो पता होना चाहिए। एक एटीट्यूड जो होता है, आपको जो अप्रोच होता है वो कैसे होना चाहिए?
आई थिंक कॉन्फिडेंस सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू में, और ऑनेस्टी. ऑनेस्टी एंड कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आप जो वो जॉब से एक्सपेक्ट कर रहे हो और कंपनी जो आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, ये दोनों बहुत क्लियर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, ये आपको एकदम क्लियरली कंपनी को एक्सप्लेन करना चाहिए. जी मैम. मैम आपने इससे पहले भी इंटरव्यू वगैरह दिए होंगे? हाँ हाँ. मैम आप, आपको कभी फेलियर हुआ है किसी इंटरव्यू में गए और सिलेक्ट नहीं? हाँ बहुत बार हुआ है. मैम आपको क्या लगता है कि क्या गलती हुई होगी आपसे जो आप सिलेक्ट नहीं? सो मेनी टाइम्स हम लोग नर्वस भी फील करते हैं या अगर डर जाते हैं. हाँ, और खुद को अंडर एस्टिमेट भी करते हैं एट टाइम्स बहुत बार. आपको ना नर्वस नहीं होना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए. जितनी बड़ी चीज है आप जैसे समझते हो उतनी नहीं है, ऐसे समझना चाहिए. और थोड़ा सा कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ऐसा लगता है. चैलेंजेस के लिए रेडी होना चाहिए, बट हाँ ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए. मतलब हर एक लाइफ में हर एक स्टेप सोच के लेना चाहिए. ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए. थैंक यू. मैम क्या करते हैं आप? मेरा एवी एंटरप्राइज नाम का एक एंटरप्रेनर है मेरा खुद का. और मेरे जो बिजनेस है उसके अंदर जो सैनिटरी नैपकिन है लेडीज लोग के लिए, ऑल टाइप्स ऑफ नैपकिन है, सभी साइजेस के डाइपर, एडल्ट डाइपर है, किड्स डाइपर है. प्लस मेरा केक का बिजनेस है, चॉकलेट्स है, तो भी चल रहा है. अच्छा, मतलब दो अलग अलग किस्म के आप जो है एंटरप्राइज चलाते हैं. आप एक प्रॉपर एंटरप्रेनर है ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है. सो मैम आप मुझे बताइए कि आप लोगों को हायर तो करते होगे? हाँ 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 मैडम. मैम 5 से 6 लेडीज लोग हैं मेरे साथ काम करते जुड़े हुए हैं. ऑलरेडी 5 से 6 लोग काम करते हैं आपके अंडर. मैम किस तरीके के किसके बेसिस पर आप लोगों को हायर? मतलब अभी जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है उसमें से कैसे हर एक लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही वीक होते जा रही है. तो अभी ये पीरियड ऐसा था कि हर एक को कुछ ना कुछ एक जरिया चाहिए था पैसे कमाने के लिए. तो उस बदौलत पे अभी जो मैंने इन लोगों को दिया है, समझो पैकिंग के लिए लेडीज लोग आए तो एक 4 पैसे के उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है मेरी तरफ से. क्या स्किल्स देखते हैं आप हायर करते हैं? स्किल के टाइम कैसे वो हार्ड वर्किंग लेडी चाहिए सबसे पहले तो वो है. मतलब अपने उन लोग का डेडिकेशन भी चाहिए काम की ओर पे. उन लोग के अंदर ये भी चाहिए कि जो भी मैं कर रही हूँ मेरे परिवार के लिए करे या घर के लिए करे, और उनके पास से अच्छा खासा सपोर्ट आया मेरे को. अभी तक जितने भी लेडीज़ लोग मेरे पास काम करे तो अच्छे से उन लोग कोऑपरेटिव है, किसी से मुझे कंप्लेन नहीं कुछ नहीं है. क्या आप एक्सपेक्ट क्या करती है, कभी आप हायर कर रही हो तो क्या एक्सपेक्टेशन होते हैं आपके सामने के कोई जो आपके पास वर्कर आता है? कैसे रहते हैं, मतलब मैं असल अच्छा एंटरप्रेनर के लक्षण ये होते हैं कि अपन उन लोग की अपनी ज़रूरत ना देखते हो, उनकी क्या ज़रूरत है वो पहले फुलफिल करने के लिए. तो मैंने वही देखा कि जितना होगा उतना बॉस सीजन नहीं चाहिए, लेकिन एक अच्छा एक बोलते ना एक फ्रेंड रिलेशनशिप टिका के रखे और उनके साथ अच्छे से काम करें, वो मेरा प्लस पॉइंट है. और उसकी वजह से मेरा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, किसी के कंप्लेन नहीं कुछ नहीं है. उन लोग का सपोर्ट की वजह से मैं आज जो भी है आज ये लेवल पे, तो मेरे वर्कर के और मेरे जो लेडीज लोग हैं स्टाफ की वजह से है. थैंक यू मैम. थैंक यू. हेलो मैम, गुड इवनिंग. आपका नाम? नेत्रा. नेत्रा नागेश. क्या करते हैं मैम? मेरे खुद के कॉस्मेटिक के क्लासेस है और मैं क्राफ्ट के भी क्लासेस लेती हूँ. तो आपके जॉब के लिए या फिर अपनी अपने बिजनेस के लिए आपने लोगों को हायर किया? जी हाँ. कितने लोग काम करते हैं आपके अंडर? 3 से 5 जन तो है. 3 से? मैं ज़्यादातर औरतों को ही देती हूँ काम. बहुत से होती है कि जिनको क्या बोलते हैं उनके हस्बैंड नहीं देते पैसे, कभी कभी हाउस वाइफ होती है, पर वो चाहती है कि खुद के पैसे हो, तो ऐसे ही जो है मेरे पास काम करती है. इसका मतलब आप वुमेन्स को जो है इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं उनको काम देकर, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वुमेन्स को जो सच में काम करना चाहती है, जिनको पैसों की ज़रूरत है और जो घर पे है हाउस वाइफ है, जो ही हेजिटेट करती है दूसरी जगह काम कर. हाँ, वो चाहती है कि बाहर तो नहीं जा सकते हम, बच्चे होते हैं, वो चाहते हैं कि अगर हमें घर में काम मिले तो अब इसलिए अच्छा होगा हमारे लिए भी, और कुछ हम कमाते हैं तो थोड़ा सा उनको भी अच्छा लगता है कि यस मैंने कुछ किया है. मैम जब आप पहले तो आप किस तरीके का बिजनेस? एक्चुअली मेरा मोस्टली मैंने 15 साल से मैं क्लासेस लेती हूँ, तो अभी 3 साल से मैं कॉस्मेटिक मेकिंग के क्लासेस लेती हूँ. वो भी कम पैसे में आप घर से कैसे ये बिजनेस कर सकते हैं. तो अभी बहुत से अभी ये हमारी जो संस्था है
उस माध्यम से मैंने 100-200 औरतों को सिखाया है कॉस्मेटिक, कम पैसे में बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो मैम आप जब हायर करते हैं तो कौन सी स्किल्स देखते हैं कि ये होनी चाहिए हमें? जैसे कि मैं फ्लावर मेकिंग, अभी जैसे मैं तोरण ज़्यादातर बेचती हूँ, खुद बेचती हूँ, दरवाजे पर लगाते हैं, हाँ बंधनवार, तो वो बंधनवार अभी मैं अकेली नहीं बना सकती, इतने नहीं बन, तो ऐसी जो औरत है उनसे मैं उनका स्किल देखती हूँ, क्योंकि उनको पहले सिखाती हूँ कि कैसे करना है आपको, फ्लावर्स कैसे करना है, या फिर बंधनवार की जो पट्टी होती है वो कैसे करना है। तो कलरिंग मोस्टली आता है, जिनको नहीं आता उनको मैं हाथ से पहले मैं बताती हूँ उनको कि ये आपको ऐसे ऐसे करना है। लेकिन हायर करने के पहले क्या लगता है आपको कि ये स्किल्स देखते हैं आप कि ये कर पाएगी नहीं कर? हाँ मतलब जब मैं पहले देख के देखती हूँ उनका मटेरियल, उन्होंने देने के बाद मुझे मालूम पड़ता है कि ना कि ये कर रहे हैं। अभी कुछ औरतें उनको मैंने दे दिया तो उन्होंने अच्छे से नहीं किया तो उनको नहीं दिया, फिर मतलब आप इंटरव्यू वगैरह कभी कुछ लेती नहीं है? ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। सो गाइस ये थे हमारे मुंबईकर्स, इनसे बात करके एक चीज़ तो क्लियर हुई है दोस्तों कि इन लोगों में ना जॉब इंटरव्यू के बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन है। हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम ना जॉब इंटरव्यू को बहुत बार बहुत सिंपल तरीके से ले लेते हैं और इसी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता, और कई बार तो हम इसे इतना मुश्किल समझ लेते हैं कि नर्वस होने के कारण हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं और उसके कारण भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। बिल्कुल दोस्तों, तो चलिए अपने आज के गेस्ट को बुलाते हैं और जानते हैं कि करेक्ट बैलेंस क्या होना चाहिए व्हाइल गोइंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू। सो मुंबईकरों से बात करके हमने ये जाना कि किस तरीके से हमें जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, किस तरीके से हमें इंटरव्यू देनी चाहिए या फिर किस तरीके से सीवी बनाना चाहिए, और कौन कौन सी गलतियां हैं जो जनरली हमसे हो जाती है जॉब इंटरव्यू के दरमियान। सो अब बारी है हमारे एक्सपर्ट से बात करने की और जानने की कि उनकी क्या राय है इन सबको लेकर। सो मैम वेलकम टू आवर शो। हाय गाइस, आई एम रचना निम्दे, आई एम दी एचआर प्रोफेशनल, पास्ट 10 इयर्स आई एम वर्किंग विद द इंडस्ट्री। सबसे पहले मैं सवाल पूछ लेती हूँ, पहला जो है कि मैम ये जॉब इंटरव्यू के लिए जो लोग जाते हैं उन्हें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए आपको लगता है? फर्स्ट स्टेप while entering into a job interviews, any interviews in that for matter, exactly. So you should know the basics of the institute, a company, and accordingly your job role. So the company, first of all you should know about a company. उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आप किस position के लिए apply कर रहे हो और उसके related what kind of skills you are having. So if you are having the same skills, you should have a brush up on that, and you should approach to the HR. According to job role, you have to make your CV first. Your CV, your resume, your curriculum vitae will plays a major role. मतलब इसमें भी अलग अलग categories होती है। Exactly. जैसे आप media में हो तो थोड़ा सा उस तरीके से होना चाहिए आपका approach. Exactly. Right. For example, अभी आपने media बोल दिया, तो if at all media, then you guys have done the media guy, the student, those are from the media background. They undergoes the practicals, they undergoes the internship, they undergoes some projects. So you have to focus with that particular industry only. आजकल के जमाने में I have seen lack of preparation leads to a wrong choice of job. जैसे civil engineering कर लिया, percentage कम आ गए, हम BPO sector चले जाते हैं. So they are not brushing up their skills, their knowledge. कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया कि हम वही रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट में अप्रोच करें, बट वो नहीं हो पा रहा है. तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट माई यू नो स्टूडेंट, माई कलीग्स, द कैंडिडेट्स, द फ्यूचर कैंडिडेट्स, कि यू शुड फोकस ऑन द सर्टिफिकेशन कोर्सेज इफ़ यू आर अनेबल टू फेच द जॉब. एग्जैक्टली मैम, जैसे कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि हमें हम जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जिस फील्ड के लिए जा रहे हैं, उस हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए. सो इसमें भी अलग अलग तरीके के कैटेगरीज हैं, जैसे सीवी से लेकर आपके अप्रोच तक हर कुछ चीज़ों में जो है बदलाव आ सकता है. हर चीज़ अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से
हमें खुद पहले मेंटली प्रिपेयर रहना है। ये तो हो गया कि कैंडिडेट ऐसे होने चाहिए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो एक एचआर होने के नाते, आप एक कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्ट करते हो? द पर्सन जो हमारे सामने इंटरव्यू है उनसे हम एक एक्सपेक्टेशन बेसिक होगा कि ही शुड बी अ स्मार्ट वर्कर। इफ इट इज एन एक्सपीरियंस पर्सन देन ही शुड हैव अ कंसिस्टेंसी टुवर्ड्स द जॉब। So if he, the person should not be every year should change the job. So the stability matters a lot. So we should see the stability also. If it is a fresher, of course I should, the person, the candidate should be focused on the academics in such a way there should not be any gaps during. So failure should not be seen in the academics. That what exactly majorly we see. क्या आपको लगता है कि क्या गलतियाँ होती होगी कैंडिडेट से कि उसकी वजह से उसका जो इंटरव्यू है वो फेल हो जाता है? बहुत बारी कैंडिडेट्स जॉब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं जी, बट दे डोंट गो इन डिटेल जी। एंड मेजॉरिटी व्हाट आई हैव सीन हियर इन द इंडस्ट्री, पीपल डोंट गो अहेड एंड सी द वेबसाइट्स जी, दे डोंट नो अबाउट द कंपनी वेयर दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। So that is a major what I request the candidates, you should do your preparation, you should be thorough with it and then only you need to approach it. आप किस पॉइंट पे मतलब फर्स्ट इंप्रेशन अगर आप किसी को देख लेते हैं, किसी कैंडिडेट को देख लेते हो, फर्स्ट इंप्रेशन आपका क्या होता है, किस पॉइंट्स पे आप उसे जज करते हो? Basically, we need to have a presentable candidate. Second, the person has to be, you know, a well-mannered, with well-groomed, I could say. And third is like the CV itself. See, I have come across a candidate, those come with 3-fold of resumes. It itself gives a very bad impression. Yeah. In short, जो है कि first impression पहले तो बहुत अच्छा होना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि उसी के साथ जो है normal सी बात है ना, जो अच्छा packing रहता है उसे लोग खोलने का अंदर क्या है देखने की कोशिश करते हैं, उसको curiosity होती है कि कौन कैसे presentable है या नहीं है। So जो first impression है ये तो basic है जो हमें ध्यान रखना चाहिए किसी भी job interview के दरमियान, क्योंकि वो जो छोटी मोटी गलतियाँ हैं वो हमें आगे बढ़ने से शायद से वो रोक सकती है, या बिकॉज ऑफ दिस सिली मिस्टेक्स आई कुड से जो हमने पर्पसली नहीं करी है, बट ये सिली मिस्टेक्स है, इसके वजह से वी डोंट नो द पर्सन, या फिर नहीं चाहोगे उसे और जानना कि इसका फर्स्ट इंप्रेशन ही ऐसा है तो हम आगे क्यों उसको जाने। व्हाटएवर आई हैव सीन द कंपनीज, आई हैव सीन द एम्प्लॉइज, दोज आर कम विद वेरी शैबी आल्सो, बट my end of the day that culture gives you that leverage or that culture gives you the freedom. If you are okay with an IT firm that you are wearing jeans and t-shirts, then you are okay with that. That's a culture of the organization, but that is post employment when you got an employee, you have been an appointed there, but आप अभी तक employee बने नहीं हो, you are not a part of that culture. Ma'am, thank you so much. लेकिन जाते जाते आप कुछ suggestion देना चाहेंगे हमारे viewers को या interviewers को? Definitely, the interviewees must have the basics clear. Presentability, yes. During the interview, patience during the interview, जी. And third, the fourth majorly is their dedication towards the interview. Ma'am, thank you so much for the valuable information के लिए. Thank you so much. तो आज कितने अच्छे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं हमें हमारे एक्सपर्ट ने, एग्जैक्टली जो कि हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे इंटरव्यू के लिए और जिनका हम ध्यान नहीं रखते मोस्टली इंटरव्यू के टाइम। एग्जैक्टली यार, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल गेटिंग अप लेट, इंटरव्यू के लिए लेट पहुंचना, एक्सक्यूजेस देना, एंग्री होना या फिर सैड होना, इमोशनल होना और इंटरव्यूअर के सामने अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करना, ड्रेसिंग अप शैबली और इंटरव्यू के बाद इंटरव्यूअर को स्टॉक करना और नाक खुजाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने नहीं करनी चाहिए। इन सब पॉइंट्स के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं, राइट? एग्जैक्टली यार। सो गाइज, आई होप हमारे व्यूवर्स को ना इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखने मिला होगा और उन्हें ये बात ज़रूर समझ में आई होगी, हम बहुत छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं दोस्तों, लेकिन आखिर में उसका नतीजा बहुत बड़ा होता है। सो दोस्तों, आपने भी पॉइंटर्स बना लिए हैं ना, सो इस बार पॉइंटर्स के हिसाब से तैयारी करके जाना और इंटरव्यू क्रैक करके ही आना। सो गाइज, ऑन दैट नोट, इट्स टाइम टू से गुड बाय, लेकिन उससे पहले
हमारे आज के सवाल। आर यू रेडी फॉर आवर क्विज सेशन? सो हमारे क्विज सेशन का पहला सवाल है, व्हाट आर सम मिस्टेक्स जो हम करते हैं हमारे जॉब इंटरव्यू के दरमियान। और आज का हमारा दूसरा सवाल, इंटरव्यू के वक्त आप इंटरव्यूअर को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं। ये थे आज के एपिसोड के दो सवाल, तो जल्दी से लॉग ऑन कीजिए www.mapofme.in पर और जीतिए ढेर सारे एक्साइटिंग प्राइजेस। और जब भी आप mapofme.in पर जाएं, तब वहां पर 26 steps to become an entrepreneur का चैलेंज लेना बिल्कुल ना भूलिए गाइस, प्लीज। वहां पर और भी बहुत सारे शोज हैं जो हमने अपलोड किए हैं खास आपके लिए, जिन्हें देखकर आप बहुत कुछ नया सीख सकते हैं, तो उन्हें भी जरूर देखिएगा दोस्तों। यस, तो आपसे होगी दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए दिस इज प्रतीक्षा एंड दिस इज रेणुका, सो विल मीट सून इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यू, एंड जब आपको बहुत अच्छी सी जॉब मिल जाएगी तो हमारे लिए मिठाइयां जरूर भेजना। यस, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय बाय।